हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में किए थे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके पांच मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे फैक्टर डिटरमिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे लो ऑफ डिमांड किया था, लो ऑफ डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते थे। लाइक दिस कुछ फैक्टर्स यहाँ पर भी हैं इलास्टिसिटी में जो प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसका फर्स्ट है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। मीन कॉमोडिटी किस नेचर की है। हमारे पास थ्री टाइप्स की कॉमोडिटीज होती हैं। एक होती है नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट्स गुड एंड लग्जरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स डेली जो हमें कंजम्पशन के लिए चाहिए, जिसके बिना हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। अगर कंज्यूमर को अपनी बेसिक नीड्स फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फूड की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। सेकेंड वन इज कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड क्या होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि अगर कंफर्ट गुड्स की प्राइसेस ज्यादा राइज कर जाएंगे, डिमांड फॉल कर जाती है। जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन प्रोडक्ट के गुड्स क्यों इंक्रीज करती है, अगर इनके प्राइस फॉल करेंगे। अगर प्राइस फॉल करेंगे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कंफर्ट गुड्स क्या होती हैं, हाईली इलास्टिक। थर्ड वन इज लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, इनकी डिमांड भी इलास्टिक होती है। जैसे कार, गोल्ड ज्वेलरी, अगर इनके प्राइसेस ज्यादा राइज कर जाएंगे तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो इन गुड्स की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, जबकि नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। अब सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लाइक एस टी एंड कॉफी, अगर मार्केट में टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी अवेलेबल है तो टी की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या है, हाईली इन इलास्टिक। थर्ड वन इज गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। अगर कोई प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे हमने कहा था मिल्क, मिल्क को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। इसको टी, कॉफी के लिए, ड्रिंकी के लिए, बच्चों के लिए, कर्ड, चीज, स्वीट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर जे एक प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। अगर किसी प्रोडक्ट के यूज लिमिटेड होते हैं, सिंगल यूज होते हैं, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। फोर्थ वन इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, आप उसको डिमांड को पोस्टपोन कर सको। अगर मुझे कोई कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी की डिमांड मुझे आज नहीं, मैं कहती हूँ मैं इसको, चलो जब प्राइस कम होंगे तब ले लेंगे, आफ्टर टू मंथ्स ले लेंगे। अगर मैं अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकती हूँ तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। अगर कोई डिमांड है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। जैसे हम कहीं जाते हैं, अगर वहां पर जाकर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो उस डिमांड को वो पोस्टपोन नहीं कर पाता, तो उसकी प्राइसेस क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं।
अगर वो अपने इस डिमांड को पोस्टपोन कर पाए, हो सकता है वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद ले ले, तो उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक होगी। फिफ्थ वन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम दी, इनकम कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा हाई है, रिच पीपल की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, और जो पुअर पीपल हैं उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। क्योंकि पुअर पीपल, उनका खर्चा एक्सपेंडिचर किस पर लगते होते हैं, मोस्टली 70-80% ऑफ देयर इनकम इज यूज फॉर द नेसेसरी गुड्स। उन्होंने खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए अपनी इनकम को खर्च करते हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, इन इलास्टिक। और जो मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम लिमिटेड है, तो मिडिल क्लास की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्योंकि वो पुअर से थोड़ी सी रिच है, रिच से पुअर है कंपैरेटिवली, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। एंड सिक्स्थ वन इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की हैबिट पड़ जाए, वो उसी को ही टेस्टी लगते, उसी को ही प्रेफर करेगा, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होगी। दैट्स व्हाई जो पर्सन ड्रिंक करते हैं, लिक्विड पीते हैं, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करते जा रहे हैं, तो भी उनकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। एंड सेवंथ वन इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अगर कंज्यूमर की इनकम मान लो 1000 है, उसमें से कितना प्रोपोर्शन, कितना शेयर वो उस कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। मान लो उसमें से अगर साल्ट परचेज करना है, जिसके प्राइस मान लो 10 रुपीज है, तो उसकी इनकम में से बहुत लो पोर्शन है जो इस प्रोडक्ट पर खर्च हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम का बहुत छोटा प्रपोर्शन किसी कॉमोडिटी पर खर्च हो रहा है, तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। अगर किसी कॉमोडिटी पर लार्ज पोर्शन खर्च होगा, मान लो 60-70% इनकम उसकी खर्च हो रही है, लार्ज कॉमोडिटी पर हो रही है, लार्ज प्रोपोर्शन खर्च हो रहा है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। एट वन इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हैं? अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस लेवल बहुत लो हैं, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। और बहुत ज्यादा हाई हैं, तो भी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। लो वाली क्या, कौन सी गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स। हाई वाली कौन सी है, गोल्ड ज्वेलरी, जिसकी डिमांड कौन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिच पीपल कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस मीडियम हैं, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। जितने हमारे मोबाइल्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, वो क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। अगर इन प्रोडक्ट के प्राइसेस लो करते हैं, डिमांड राइज कर जाती है। एंड लास्ट वन इज टाइम। टाइम दो तरह का, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, और वो नेक्स्ट वीक है, तो आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड है। इस शॉर्ट पीरियड में आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, उस कॉमोडिटी की जितनी भी प्राइस होगी, आप उसकी प्राइस पे करोगे। अगर वो मैरिज वो नेक्स्ट मंथ हो,
या फिर आफ्टर 2 or 3 months हो, अगर आपको इस वीक वो कॉमोडिटी के प्राइसेस हाई लग रहे हैं तो आप उसको क्या करोगे, 2 or 3 weeks लेटर ले लोगे। तो लॉन्ग पीरियड में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक होगी। शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम उसे लेने ही पड़ेगी। जो प्रोडक्ट की डिमांड शॉर्ट पीरियड में की जाती है, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस चाहे हाई हो चाहे लो हो, तो डिमांड कंज्यूमर करेगा ही करेगा। सो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। अगर कंज्यूमर के पास बहुत सारा फ्री टाइम है, वो अपने प्रोडक्ट को आफ्टर 2-3 weeks और 1 month लेटर भी परचेज कर सकते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। जितने हमारे फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, विद दिस हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।